कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की जांच के घेरे में है। मामले को लेकर तो उनसे पूछताछ जारी ही है, लेकिन अब संदीप घोष के गले पर ईडी की तलवार भी लटक गई है, क्योंकि अब वो ईडी की रडार में आ गए हैं। ईडी ने 6 सितंबर को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर छापेमारी की। ईडी ने वित्तीय अनियमितता के मामले में संदीप घोष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में संदीप घोष के साथ साथ उनके करीबी विप्लव सिंह के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। सीबीआई ने 2 सितंबर को आरजी कर कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार वित्तीय कदाचार को लेकर संदीप घोष को 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच पर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को सबमिट किया जाना है। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। लोगों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश की जनता कोलकाता रेप मर्डर पीड़िता के लिए न्याय चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।